लॉर्डशिप, दिस इज फर्स्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एप्लीकेशन माय लॉर्ड। अभियोजन घटना का सार इस प्रकार है कि अभियोक्त्री पहला नंबर 3 लॉर्डशिप आवेदिका द्वारा दिनांक 20/1/22 को गृह मंत्री मध्य प्रदेश भोपाल को संबोधित कर अनावेदक का नीलेष श्रीमती लक्ष्मी लौकेश तथा श्रीमती सविता के विरुद्ध इस आशय की लिखित शिकायत प्रेषित की गई कि वह गरीब माता पिता की पुत्री है, उसकी शादी दिनांक 13/5/21 को ग्राम कोंडर में संपन्न हुई। अनावेदक क्रमांक 2 सास, अनावेदक क्रमांक 3 देवर तथा क्रमांक 4 ननद है। अनावेदक क्रमांक 1 से शादी का रिश्ता तय करते समय सभी अनावेदक गण ने एकजुट राय एक राय होकर अनावेदक क्रमांक 1 के अवैध संबंध बिछुआ निवासी महिला से होने की बात छुपा कर रखी, धोखा देकर शादी तय की। शादी के निमंत्रण पत्र बटने के बाद आवेदी का उसके माता पिता और रिश्तेदारों को मालूम होने के बाद शादी अनावेदक क्रमांक 1 से नहीं करना है। अनावेदक क्रमांक 1 के पहले से ही सविता दुर्वे के साथ अवैध संबंध है, हम शादी तोड़ते हैं, यह कहकर अनावेदक गण को संदेश भेजा। आवेदिका ने लिखित शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि अनावेदक गण ने शादी टूट रही है कहकर ग्राम कुंडर आकर जाति तथा गाँव के प्रतिष्ठित लोगों को लेकर बैठे हुए, जिसमें अनावेदक गण ने अनावेदक क्रमांक 1 के अवैध संबंध अन्य महिला के साथ होना स्वीकार कर आगे उक्त महिला के साथ रिश्ता से संबंध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा न रखना कहा। आवेदिका को अच्छा रखेगा कहकर 1,000 रुपए के भारतीय स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा, आपसी समझौता पत्र मुलतवी जिला बैतूल में लिखकर दिया। आपसी राजीनामा में भी अनावेदक गण ने सविता दुर्वे की जगह सविता नागले का नाम झूठा लिखा। आवेदिका तथा उसके माता पिता को पंचों द्वारा संदेश देने पर आवेदिका की शादी तय दिनांक 13/5/21 को जाति रीति रिवाज के अनुसार कर दी गई। अमेरिका के माता पिता देयर आफ्टर कुछ नहीं होता है, जो देख सकते बदली नहीं पाएगा। ये तो डॉक्टर ने अपने घर पे सब लोगों से फोन किया। नमस्कार जी, वो एक पेशेंट डॉग के साथ मार्शल इसको के टॉक में लेके क्लियर कर दिए। नहीं हो सकती अपन अच्छा, हम सब लोग क्यों मैं आपका वो मॉनिटर में ऐसे पेंस में यूं की बात कर रहा हूँ, वो एक होटल का केस है, लेकिन पैसे टिकट वाला क्या जानता नहीं ये थी ना चार चार टाइम लोग देख रहे हैं, ऐसा जानता नहीं कि वो किस में ठोंक रहा है, ये तीन से तत्तर वाले ठोंक रहा है, पीछे से तत्तर में 10 साल 400 टाइम में तीन सब और 3/4 डाउरी प्रोविजन एक्ट के पास मेल भेजो। यस मिस्टर गुप्ता, डॉक्टर की एविडेंस तो खिलाफ है, एक साल बाद हुई है, तो एक साल बाद क्या करेंगे? एफआईआर एक साल बाद हुई है और उसमें भी जो एग्जिट P9 है लॉर्डशिप, क्या कहते हैं P9 एग्रीमेंट जो है एग्जिट P9 P9 वो तो डाउरी प्रोविजन वी आर कंसर्न 10 साल के लिए 370 में किया इसलिए हमारे पास आए हैं। 164 और उसको कमरे बंद रखते थे, उसके कारण अपील थोड़ा अलाउ कर रहे हैं।
विठल राव जुमरे ललित काउंसिल फॉर द अपील एंड नीलेश पूरा सब डाल देना इतना आई थिंक बी हर्ड ऑन आईए 29561/23 एन एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बीइंग एग्रीव्ड ऑफ जजमेंट डेटेड 18/10/2023 पास्ड बाय ललित फिफ्थ एडिशनल सेशन जज कहाँ के हैं ये छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा इन एसटी नंबर 7902022 3 years, 10 years, and 5 years respectively. With fine of rupees 1,000, 4,000 and 5,000 respectively. With 15,000 respectively and default is stipulation of 1 month, 3 months and 6 months. Next paragraph. It is submitted that no offence under section 377 IPC is made out in view of the evidence of PW3 doctor who had examined the prosecutrix. Next paragraph. Shri Aditya Narayan Gupta opposes the prayer. Without commenting on merits, appeal is going to take time. There are good chances of success. 50,000 to sureties. स्टेट की अपील में क्या करना है? किस चीज में इसको कर दिया? आपकी अपील क्यों आई है बताइए ना. लॉर्डशिप को तीन लोगों को एक्सटल कर दिया फैमिली मेंबर्स को. अच्छा क्या गिनते हाँ क्या एविडेंस है बताइएगा. नहीं तो खारिज करें आपकी अपील. एविडेंस पढ़िए फाइल दीजिए. एविडेंस पढ़िए तीन लोगों के खिलाफ जिनका एक्विटल हुआ है. अमाउंट ऑफ डाउरी और उसमें एविडेंस पढ़ के बताइए वकील साहब. मैं PW1 पैराग्राफ नंबर 3 PW1 पैराग्राफ 3 पढ़िएगा. इसके बाद मैंने विश्वास कर आरोपी से शादी कर ली. शादी के 6 दिन बाद आरोपी ने मुझसे 50,000 रुपए. आरोपी से कहा कि मुझे गाड़ी की किस्त भरनी इसलिए पैसे चाहिए. आरोपी ने बोला कि दहेज में कुछ नहीं दिया इसलिए 50,000. तो आरोपी के ऊपर है बाकी तीन लोगों के ऊपर कहाँ है? मैं उसके ऊपर उसी में आरोपी गण तो जनरल है ओमनीबस स्टेटमेंट है आरोपी गण. चलिए 50,000 रुपए दहेज में. फिर मम्मी पापा को दूसरे से उधार लेकर मुझे ठीक से नहीं रखते. 2 महीने से अच्छे से रखा. आरोपी अनिता जो मेरी ननद घर आई उसने कहा कि उसे मत मारो मत रखो काली कलूटी और बच्चलन है इसलिए उसे घर से निकाल दो. मैंने अनुति से कहा कि आप मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं. तो आरोपिया अनीता ने बोला कि मुझे तेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता तू काली कलूटी. दहेज का मांगा उसने. अनीता ने दहेज का मांगा. आप लोग इतनी पढ़ तो लिया करिए. 498A की रिक्वायरमेंट क्या है? डिमांड ऑफ डाउरी कहाँ है उसके ऊपर एलिगेशन? ना अनीता के ऊपर है ना नीलेश के ऊपर है. नीलेश ने कहा तू अपना सामान उठा घर जा. ये कहाँ कहा कि आप लोग सिर्फ अपील फाइल करनी है इसलिए अपील फाइल कर देते हैं और फिर शासन बोलता है कि लिटिगेशन पॉलिसी फॉलो नहीं की जाती है. आप लोग तो सबसे बड़े वायलेटर हैं लिटिगेशन पॉलिसी के. बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी यू फाइल अननेसेसरी अपील्स. कितनी कॉस्ट लगानी है इस अपील को खारिज करके. और जिसने ओपिनियन दी है अपील फाइल करने की उससे रिकवर कर लीजिएगा कॉस्ट. आप लोगों ने मजाक बना रखा है बिल्कुल कोर्ट कचहरी का. आपकी सरकार लिटिगेशन पॉलिसी बनाती है जिसको आप खुद फॉलो नहीं करते हैं और भाषण देते हैं लंबे चौड़े. कहाँ है स्पेसिफिक एलिगेशन बताइए. डिमांड ऑफ डावरी का 3 accused के खिलाफ ये 42.1 में लिखिएगा. श्री आदित्य नारायण शर्मा गुप्ता फॉर द अपील एंड स्टेट दिस अपील इज फाइल्ड बीइंग एग्रीव्ड ऑफ जजमेंट डेटेड 18/10/2023 पास्ड बाय फिफ्थ एडिशनल सेशन जज छिंदवाड़ा इन एसटी नंबर 79 ही था ना सर 29/22 वेयर बाय 3 ऑफ द एक्यूज्ड पर्संस नेमली 79 3 ऑफ द एक्यूज्ड पर्संस लक्ष्मी लोकेश श्रीमती अनीता. आपका कोई लोकस नहीं आप बैठ जाइए. लक्ष्मी
अच्छा आप हैं इनके लिए लक्ष्मी लवकेश एंड श्रीमती अनीता हैव बीन एक्सोनरेटेड ऑफ द चार्जेस अंडर सेक्शन 498A(3)(4) डावरी प्रोविजन एक्ट नेक्स्ट पैरा श्री Gupta reading evidence of the prosecutrix PW1 submits that on the basis of her statements conviction should have been recorded full stop. It is evident that the allegation on the respondent Anita is that she had alleged about the lack of beauty in the complainant and had said that she should not be kept in house. As far as Nilesh is concerned, allegation is that Nilesh had said that the complainant should take her clothes and leave the house full stop. There are no allegations of the demand of dowry either on Anita, Nilesh or Lakshmi Bai full stop. No piece of evidence is available on record to show that they ever demanded any amount of dowry from the complainant or her relatives. In view of such facts, acquittal recorded by the trial court cannot be faulted with. Next para. This appeal has been filed in a mechanical manner without application of mind. Though state professes itself to be the champion of curtailing unnecessary litigation for which they have laid down a litigation policy, but it appears that state itself is the biggest violator of its own litigation policy and is involved in filing unnecessary appeals. Appeal is dismissed. There are no grounds to show indulgence. Appeal fails and is dismissed. आप लोगों को काम देने के लिए अपील बनवाई जाती है क्या? एजी ऑफिस में फालतू बैठे हैं तो अपील बनवा लें।